मैं आ गया हूँ वाटर पपेट थिएटर। पहले मैं डर रहा था कि कोई यहाँ भीड़ नहीं है, कोई टिकट नहीं ले रहा, तो पता चला कि मैं अकेला ही बैठ के देख रहा हूँ अंदर। ये पूरा पवेलियन है, तो ये कुछ इस तरह का पूरा थिएटर है। और जिन लोगों को गलतफहमी हो रही है कि ये बंदी मेरे साथ में है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, उसका रैंडम टिकट है, वो मेरे बराबर वाली सीट पर बैठ गई है। यूनिक था, डिफरेंट था, काफ़ी अच्छा लगा। इसकी जो हिस्ट्री है पपेट शो की, वाटर पपेट शो की जो हिस्ट्री है वो इस तरह से, हज़ारों साल पहले करीब यहाँ पर एक पास में ही एक नदी है, उस नदी का नाम है लाल नदी, रेड रिवर। तो रेड रिवर के पास पास के एरिया में ये लोग ना चावल उगाते हैं, यहाँ पर चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है वियतनाम में। तो ये चावल उगाते हैं, और जब चावल की फसल पूरी तरह पक जाती है, ये सारा चावल निकाल लेते हैं, उस टाइम ये एक त्यौहार मनाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में जब फसल कटती है वैसाखी के टाइम पे, तो वैसाखी का त्यौहार आता है, और साउथ में भी कुछ इसी तरह का त्यौहार होता है जब वहाँ पर फसल पक जाती है, कट जाती है, तो साउथ में शायद पोंगल कहते हैं उसको। तो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए कि मैंने पोंगल सही बताया गलत। फ़िलहाल बात करते हैं इसकी। तो ये रेड नदी के किनारे पर सारी चावल की खेती होती है, और उस चावल की खेती के पक जाने पर, ये पूरी फसल जब कंप्लीट हो जाती है, तब ये लोग यहाँ पर त्यौहार मनाते हैं, और उस त्यौहार के की खुशी में इन्होंने वाटर पपेट का एक मतलब मंचन या कह लो स्टेज शो स्टार्ट करा था हज़ारों साल पहले। तो ये उसकी खुशी में ये वाटर पपेट शो चला था, मतलब हज़ारों साल पहले का पुराना इतिहास है, और ये आज तक भी उसको फॉलो करते आ रहे हैं। अब ये टूरिस्ट के लिए ओपन हो गया है, और लोग बाग इसमें आते हैं और देखते हैं। तो ये था इसका इतिहास कि ये फसल पक जाने पर त्यौहार मनाते हैं अपना, उस त्यौहार की खुशी में ये वाटर पपेट शो करते हैं। तो ये मेरे पीछे मैं आ गया हूँ वाटर पपेट थिएटर, ये पीछे दिखाई दे रहा है आपके, और चलिए इसके अंदर चल के देखते हैं। वाटर पपेट थिएटर, तो यहाँ इनको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी मिल चुका है इस शो को। इसका टिकट है 1 लाख डॉन्ग। 1 लाख डॉन्ग मतलब तकरीबन 300 का इसका टिकट है, इंडियन करेंसी में 300 सवा 300। तो अभी 4:10 का शो है, और अभी बजने वाले हैं 2:45। तो मैं टिकट ले लेता हूँ और 4 फिर यहाँ आ जाऊँगा दोबारा से घूम फिर के आसपास, और उस टाइम हम शो देखेंगे। तो फ़िलहाल मैं टिकट ले लेता हूँ अभी। यहाँ ये लोग टिकट ले रहे हैं अभी। Excuse me, is there your? Okay. You only pay, didn't take your ticket. तो ये है, ओके, रिसेंटली टाइम 4:10, ओके ओके, दिस वन ओनले वन। ये टिकट पर इन्होंने मोहर लगा दी, थैंक यू। ओके, व्हाट टाइम शुड आई कम? अराउंड 4:10। शुड आई कम बिफोर 10 मिनट्स? ओके ओके, थैंक यू। तो ये टिकट मैंने ले लिया है, 1 लाख डॉन्ग का आया है, तकरीबन 350 रुपये का, और ये 4:10 का शो है आज का ही। और दोबारा से आता हूँ यहाँ पे, तब तक काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, ये पीछे काफ़ी लोग वेट भी कर रहे हैं। तो और के शो अच्छा होगा क्योंकि लोग बाग आ रहे हैं, टिकट ले रहे हैं यहाँ पर। पहले मैं डर रहा था कि कोई यहाँ भीड़ नहीं है, कोई टिकट नहीं ले रहा, तो पता चला कि मैं अकेला ही बैठ के देख रहा हूँ अंदर, तो थोड़ी पब्लिक भी होगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। तो फाइनली मैं आ गया हूँ ये वाटर पपेट शो देखने के लिए। इस टाइम यहाँ काफ़ी भीड़ हो गई है, तो जिन लोगों ने टिकट लिया होगा आई एम श्योर वो लोग आ गए हैं अभी, और मुझे अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं 10-15 मिनट पहले ही आ गया हूँ। और अंदर चल के देखते हैं कि क्या कुछ पैसे वसूल होते हैं या पैसे ख़राब हो जाते हैं। बाकी थैंग लॉन्ग वाटर पपेट थिएटर, बहुत ऊंची बिल्डिंग बना रखी है,
ये पूरी इन्हीं की है यहाँ से यहाँ तक की। ये कंडील लगा के पूरा डेकोरेट करके रखते हैं हर चीज़ को, बड़ा अच्छा लगता है ये। आई एम श्योर कि आज मैं कुछ डिफरेंट देखूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये नॉर्मल पपेट शो होगा, क्योंकि राजस्थान में मैंने कठपुतलियाँ का शो देखा हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छा होता है, हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है। लेकिन ये वाटर पपेट शो है, तो अब ये पानी के साथ में क्या करने वाले हैं मुझे नहीं कोई आइडिया नहीं है, तो और मैं बहुत ज़्यादा वेट कर नहीं पा रहा हूँ इस चीज़ को देखने के लिए। आई होप सो आप लोगों को पसंद आएगा। तो फाइनली अभी एंट्री स्टार्ट हो गई है। टिकट नंबर सही बैठना है। हाँ टेल मी टिकट नंबर, एंड नंबर 15 ऑन दैट साइड सर, लेफ्ट साइड। ओके, ये पूरा पवेलियन है, ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ कुछ शो होगा। 15 नंबर, ओके ओके, M15 में मुझे बैठना है। L M M 15, दिस रो, आई थिंक दिस रो ना, ये है भाई 15 नंबर, यहाँ हमें बैठना है। तो ये कुछ इस तरह का पूरा थिएटर है, ये सीटिंग अरेंजमेंट है। आगे की सीट की जो टिकट है, मतलब इस रो से स्टार्ट होके इस रो से, इस वाली रो से आगे की 2 लाख की है, और सबसे आगे की 3 लाख की हैं। जहाँ मैं बैठा हूँ इसके पीछे की सारी है 1 लाख वाली हैं। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक नज़र आ रही है मुझे, कि यहाँ लेग स्पेस बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को क्रॉस होना होगा तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, इस भाई के तो बिल्कुल टच हैं घुटने, तो कोई बीच में अगर आएगा तो सबको परेशान करता हुआ आएगा। और बाकी अभी वाटर शो स्टार्ट होने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। मैं आपको बता दूं कि इधर कुछ म्यूजिशियन वगैरह बैठे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ नीचे पानी भरा हुआ है इन्होंने, और पूरा ऊपर एक टेम्पल बनाया हुआ है चाइनीज़ टेम्पल टाइप से। और जिन लोगों को गलतफहमी हो रही है कि ये बंदी मेरे साथ में है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, उसका रैंडम टिकट है, वो मेरे बराबर वाली सीट पर बैठ गई है, तो इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई नो कुछ खुराफाती दिमाग होंगे जो इस तरह का सोच रहे होंगे लेकिन सोचने का काम भी अगर मैं करने लगा तो कोई क्या सोचेगा, इसलिए शायद मुझे ही नहीं सोचना चाहिए। एनीवे, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। Xin mời quý vị hãy thưởng thức chương trình Múa Rối Nước đặc sắc được soạn lọc từ 4 trong trò Múa Rối Nước trong...
Thank you.
Hỏi là có vật gì ẩn hiện gần đây? Đem kiếm thần ra chém. तो ये था वाटर पपेट शो, काफ़ी अच्छा लगा, डिफरेंट था हमारे इंडिया वाले राजस्थान के कठपुतलियों से। वो ऊपर से हाथों से नचाते हैं, लकड़ियों से धागों से बंधी होती हैं, और ये पानी के नीचे से स्टिक के थ्रू चला रहे थे, स्टिक के थ्रू। यूनिक था, डिफरेंट था, काफ़ी अच्छा लगा देखकर। आई होप सो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। काफ़ी बहुत सारे लोग आए हुए थे देखने के लिए। ये है मेन कैरेक्टर जो इसका सूत्रधार था, जो स्टोरी सुना रहा था। अब इसका मुझे नाम नहीं पता है, खैर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं वीडियो को मैं फ़िलहाल बंद करता हूँ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू कमेंट। आई लव यू ऑल।